नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है यूपी से। जैसा कि मैं यूपी के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सभी जानकारियाँ दी जाएंगी मैप के माध्यम से, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है यूपी के ऊपर। और यहाँ पर मैं आप लोग को यूपी के जलवायु के बारे में बताने वाला हूँ। यूपी के जलवायु एक लाइन में तो आप कह सकते हैं कि ऐसी जलवायु है, लेकिन इस जलवायु के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। उन सभी चीज़ों को देखेंगे, वो उन जगहों को चिन्हित करेंगे जिन जिन जगहों पर जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है, और वो विशेषता क्या है उसको भी हम लोग चिन्हित करेंगे। वहीं से परीक्षा में प्रश्न उठता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी की जलवायु। तो यूपी की जलवायु दोस्तों कैसी है, तो उसको हमने देखिए लिखा है समशीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय व मानसूनी। यानी जलवायु कैसी है दोस्तों, मानसूनी जलवायु है, लेकिन कैसी, समशीतोष उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पाई जाती। यानी शीत और उष्ण का प्रभाव होगा और उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियाँ भी देखने को मिलेंगी, लेकिन मानसूनी होंगी यानी पर्णपाती वनस्पतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती दोस्तों, तो यही बेल्ट है जो पाई जाती है, खासकर पूर्वी हिमालय और पूर्व के जो भी आपके प्रदेश हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर सदाबहार वनों की बात करें तो उसका आंसर होगा आपका पश्चिमी घाट। पर्णपाती वनस्पति का मतलब समझते हैं, जो पेड़ पौधे अपने पत्तियों को गिरा देते हों। तो आप लोग देखते हैं कि जब ठंडी का मौसम बीतता है तो पेड़ पौधे अपने पत्तियों को धीरे धीरे गिराने लगते हैं, और उसके बाद फिर नई पत्तियाँ निकलती हैं, तो उसे बोल वो ऐसी वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं, पर्णपाती वनस्पतियाँ कहलाती हैं। तो वो इसी बेल्ट में पाई जाती हैं। हम यहाँ पर जलवायु की बात कर रहे हैं, तो जलवायु की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम चूँकि मैंने कहा मानसूनी जलवायु है, यानी कि मानसून की वजह से ही यहाँ के पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और फसलें होती हैं। अगर मानसून का प्रभाव नकारात्मक है तो फसलें अच्छी नहीं होंगी, अगर मानसून का प्रभाव सकारात्मक और संतुलित है तो फसलें अच्छी होंगी, वनस्पतियाँ भी अच्छी होंगी। ये चीज़ें मानसून पर। तो मानसून की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक क्या करता है, जून का महीना। क्या क्लिक करता है, जून का महीना। और हम कहते हैं कि सबसे पहले भारत में जून के महीने में यानी 1 जून को भारत के केरल के तट पर मानसून टकराता है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ। जब पूरे भारत की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार आंसर होगा पहले नंबर है, मतलब कि 1 से 2 दिन पहले अंडमान निकोबार में मानसून प्रवेश करता है। लेकिन जब हम मुख्य भूमि की बात करें, अक्सर मुख्य भूमि पर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं जिसका आंसर हो केरल। केरल में कई शाखाएं डिवाइड होती हैं, और एक शाखा होती है जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी। अगर जब हम भारत की बात करें, यहाँ मैं मलका समय बना रहा हूँ ये, तो हम यहाँ पर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है मानसून की, मानसून ये गया और ये मानसूनी हवाएं बंगाली खाड़ी से जब उठती हैं, चूँकि कर्क रेखा पर सूरज चमक रहा होता है, क्योंकि जून के महीने में कर्क रेखा पर बिल्कुल टॉप पे आपके सर के ऊपर सूरज चमक रहा होता है, उस समय बंगाल की खाड़ी का जो जल होता है काफ़ी गर्म होता है, यानी कि वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है, और जो हवाएं होंगी वो उन हवाओं को जो कि आर्द्रता से भरी होंगी, वो बादल उसको उड़ा के ऊपर की तरफ ले जाएंगी, यानी मेघालय, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत की संख्या जिसे हम देते हैं 7 सिस्टर, वहाँ पर, और फिर वहाँ से किस डायरेक्शन में यूपी में प्रवेश करेंगी, तो इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो हवाएं आएंगी, जो मानसूनी हवाएं होंगी, वो यूपी में प्रवेश करेंगी बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए। कौन सी डायरेक्शन दोस्तों कहलाएगी, तो ये डायरेक्शन कहला रही है, कहाँ से आ रही हवा ये देखेंगे हम लोग, तो दक्षिण पूर्व से दोस्तों। कहाँ से आ रही है, दक्षिण पूर्व से ये हवा आएगी और बढ़ेगी किधर दोस्तों, पश्चिम उत्तर की ओर। कहाँ बढ़ेगी, पश्चिम उत्तर की ओर। तो इसकी कई हवाएं होंगी वो ऐसे ऊपर की तरफ भी जा रही हैं, ऐसे भी पश्चिम की तरफ भी जा रही हैं, इस तरह से ये मानसून यूपी में प्रवेश कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब यूपी में मानसून प्रवेश कर रहा होगा तो उसमें हम वर्षा की मात्रा को नापेंगे। तो वर्षा की मात्रा को जब नापेंगे तो जब चूँकि पहला क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, पूर्वी क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र में हिमालय के पास जैसे ही बादल पहुँचेंगे वहाँ पर बारिश तेज़ होगी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा। और यहाँ पर एक ज़िला है आपका बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, वर्तमान में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है गोरखपुर ज़िला, ठीक है।
ठीक है, तो गोरखपुर ज़िले में सर्वाधिक बारिश होती है दोस्तों। तो याद रख लेंगे कि यूपी में सर्वाधिक बारिश किस ज़िले में होती है, तो आपका आंसर होगा गोरखपुर। अब ये जो मानसूनी हवाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं दोस्तों, बढ़ते बढ़ते ये ऊपर भी जा रही है, हिमालय के पास टकराएंगी, कुछ वर्षा यहाँ करती रहेंगी, वर्षा करती रहेंगी, पश्चिम की तरफ भी वर्षा करेंगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा करती रहेंगी। लेकिन ये मानसूनी हवाएं जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगी कमज़ोर होती जाएंगी। कमज़ोरी से आशय है कि पानी का जो पानी की मतलब जो बारिश होगी उसकी मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि बादल के पास पानी की मात्रा कम होती चीज़ है, क्योंकि सारी बारिश पूर्वी क्षेत्रों में होती रहेगी। और देखेंगे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि ऊपरी क्षेत्र बांगर का क्षेत्र है, उससे नीचे तराई का क्षेत्र है, और जब हम बांगर के ऊपर जाते हैं, जो कि बांगर क्षेत्र पदस्थली होती है पर्वतों की, जो बांगर क्षेत्र है पर्वत यानी पर्वतों से मानसून टकरा रहा है और फिर वहीं पर बारिश करेगा, यानी कि तराई प्रदेशों में भी बारिश अधिक हो रही है। ये तो तराई प्रदेश है, पहले से ही दलदली एरिया है, तो वहाँ बारिश और हो रही तो और दलदली एरिया हो जाएगा। तो इसीलिए इधर की जो बेल्ट है ऊपर की, वो पूरा का पूरा तराई क्षेत्र है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे कि मानसून जा भी रहा है और मानसून रिटर्न भी कर रहा है, बादल यानी मानसून जो हिमालय से टकरा के रिटर्निंग भी ले रहा है और बारिश कर रहा है पूरे यूपी भर में। क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी भर में पूरा बारिश कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जब बारिश कर रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि गोरखपुर यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ से मानसून धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, इससे मानसून कमज़ोर हो रहा है, तो सबसे कम बारिश कहाँ होगी, तो सबसे कम बारिश होगी मथुरा में। मथुरा बारिश कितनी हो रही दोस्तों, 54.4 सेंटीमीटर। तो 54.4 सेंटीमीटर और गोरखपुर में कितनी वर्षा हो रही है, 184.7 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, जो कि सर्वाधिक है, और जो कि सबसे कम है वो है मथुरा में। तो दो ज़िले याद रखने हैं वर्षा के मामले में, सबसे कम बारिश और सबसे अधिक बारिश, सबसे कम बारिश मथुरा में और सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में हो रही है, इसको याद रखेंगे। अब हम आते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। भारत के अंदर, भारत यानी यूपी के अंदर ग्रीष्म ऋतु के मौसम, चूँकि हम लोग जानते हैं कि यूपी के नीचे से कर्क रेखा गुजर रही है, यानी कि कर्क रेखा के साथ काफ़ी नज़दीक है, इसलिए जून के महीने में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु की जब हम चर्चा करेंगे तो एवरेज मतलब कि एवरेज औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कब, जून के महीने में, और उसी जून के महीने में एवरेज मिनिमम टेम्परेचर, निम्नतम टेम्परेचर कितना होता है, 21 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो है बात जब कह रहे हैं जब आपका टेम्परेचर बैरी करता है, यानी किसी क्षेत्र में कम है किसी क्षेत्र में अधिक होगा। तापांतर जो देखने को मिलता है, तापांतर का मतलब दिन और रात का जो तापांतर देखने को मिलता है वो लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, नहीं सॉरी, तापांतर यानी वार्षिक तापांतर की हम बात कर रहे हैं, वो लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस देखने को मिलता है दिन, मतलब पूरे वर्ष भर का, जब ऋतु बदलती है, यानी ग्रीष्म ऋतु और जब शीत ऋतु होता है तब का टेम्परेचर में जो डिफरेंस देखने को मिलता है लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। ये एवरेज है तापांतर जो है आपका। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ रही है यूपी के अंदर। तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी आगरा और झांसी, और आगरा आप देखेंगे मथुरा के जस्ट नीचे आगरा है और आगरा के जस्ट नीचे झांसी है, यानी ललितपुर के ऊपर आपको ये ज़िला देखने को मिल रहा है। तो दो ज़िले, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि मानसून धीरे धीरे जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है तो मानसून कमज़ोर होता है, अर्थात कम बारिश होती है, तो इसका मतलब उन क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी जहाँ पर कम बारिश होगी। जैसे दिल्ली की हम लोग बात करें तो दिल्ली में कम वर्षा होती है, इसलिए दिल्ली में गर्मी भी पड़ती है और ठंडी के मौसम में ठंडी भी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आगरा और झांसी सबसे ज़्यादा गर्म ज़िले हैं, और अगर हम ठंडे की बात करें, मतलब गर्मी के मौसम में सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, ठंडे की बात नहीं मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा गर्म आगरा और झांसी है, और सबसे कम मतलब गर्म अगर बात करें पूरे एक मौसम में जून के महीने की बात करें तो बरेली जो है सबसे कम गर्म होता है, मतलब कि गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा गर्म और गर्मी के मौसम में सबसे कम गर्म बरेली में पड़ रहा होता, क्योंकि बरेली आप जान ही रहे हैं आपका हिमालय क्षेत्र के पास भी पड़ेगा, तराई क्षेत्र के पास पड़ रहा है ये ज़िला, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे इसको। अब देखेंगे कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो मानसून है दोस्तों, मानसून जो आ रहा है यूपी के अंदर
उसको जो, क्योंकि हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी से यानी मानसून की एक शाखा जो कि बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत में प्रवेश कर रहा है उसको हम लोग पूर्वा की संज्ञा दी जाती है, पूर्वा की संज्ञा दी जाती है। और एक ध्यान रखेंगे कि एक फैक्ट और है कि सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है हमारे यूपी के अंदर, तो जनवरी का महीना सबसे ठंडा महीना है, ये आ सकता है परीक्षा में। अब हम लोग देख लेते हैं वर्षा के आधार पर, चूँकि सारी कहानी वर्षा की यानी मानसून के इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण भी कर लेते हैं दोस्तों। तो जब वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर, तो देखेंगे दो मेन क्षेत्र हम लोग डिवाइड करेंगे पूरे यूपी के अंदर। एक होगा आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, एक है साधारण आर्द्र एवं उष्ण, मतलब सामान्य स्थिति की बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आर्द्र उष्ण क्षेत्र कह रहे हो तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा तराई क्षेत्र। याद रखेंगे तराई क्षेत्र सबसे ज़्यादा आर्द्र क्षेत्र होगा, सबसे ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र है और वर्षा जो होती वहाँ पर 120 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सोच लीजिए यहाँ पर अधिक वर्षा भी हो रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भी आर्द्र उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर वर्षा जो होती है 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, जब साधारण आर्द्र की बात करें और उष्ण क्षेत्र की बात करें तो इसको तीन क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। एक है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र यानी गंगा यमुना का दोआब या गंगा यमुना के जो नदियां हैं उसके आसपास के क्षेत्र की बात करेंगे, वहां पर जो वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की हम बात करें, पश्चिम में चले जा रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया बार बार कि जैसे जैसे मानसून पश्चिम की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे मानसून कमज़ोर होता जाएगा, अर्थात बारिश कम होती जाएगी, यानी 65 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और सबसे अंतिम जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंडीय पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और जानते हैं बुंदेलखंडीय क्षेत्र कैसा है, खंडहर है, खंड मतलब कि खड्डे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहाँ पर चंबल की घाटियों का निर्माण हुआ है। अब ये तो वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण हो गया। अब हम यूपी में कृषि अथवा शस्य जलवायु प्रदेशों की चर्चा कर लें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जब यूपी को डिवीज़न कर रहे हैं तो ये तो वर्षा के आधार पर कर दिया, अब हम डिवीज़न करेंगे कृषि के आधार पर, यानी हम कृषि बेल्ट में डिवाइड करेंगे। क्योंकि हम वर्षा के आधार, जब हम वर्षा के आधार पर कोई डिवीज़न कर रहे हैं यूपी के अंदर यानी कृषि के आधार पर, यानी कि इस प्रकार की जलवायु वहाँ होगी तो वहाँ पर इस प्रकार की फसल उगेगी, मतलब कि हर जलवायु क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रकार की फसल का निर्धारण करने में आसानी हो, जिससे कि फसलों की पैदावार एक विशेष क्षेत्र में हम अधिक कर सकें। जैसे कि अगर हम लोग बात करें दोनों, एक मोटा मोटा अगर डिवाइड करें हम लोग यूपी को, तो हम लोग पूर्वी और पश्चिमी दो क्षेत्रों में अगर डिवाइड करें तो आप जानेंगे कि जो आपका पूर्वी एरिया जहाँ पर मानसून का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है वहाँ पर वैसी फसलें उगाई जाएंगी जिसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, इस तरह की फसलों को उगाया जाएगा। लेकिन जब हम पश्चिमी क्षेत्रों में जब जाएंगे तो हम ऐसी फसलों को उगाएंगे जहाँ पर पानी की आवश्यकता कम पड़े, जैसे मक्का वगैरह हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसको पानी की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। ठीक है ना, हम सिंचाई के संसाधनों का उपयोग करके भी सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पश्चिमी क्षेत्र है तो वहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जाएंगी। तो उसी प्रकार से यूपी को 9 कृषि क्षेत्रों, कृषि प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो वो है यूपी में 9 कृषि अथवा शस्य जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, देखेंगे भावर या तराई क्षेत्र जो आप परिचित है जिससे, पश्चिम का मैदान आप ये पूरा देख रहे हैं, गाजियाबाद, सहारनपुर आपका यहाँ पर देखने को, मेरठ मिलेगा, हापुड़ मिलेगा, मथुरा मिलेगा, झांसी मिलेगा, यहाँ से सटे हुए और अन्य ज़िले भी आपको पश्चिमी मैदान में देखेंगे। मध्य का पश्चिमी मैदान चले जाइए, मतलब कि पश्चिम से थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब यह आगरा के आसपास झांसी वसी का ललितपुर का जो क्षेत्र है, शुष्क मैदान, मध्य मैदान जो कि गंगा यमुना का दोआब है, बुंदेलखंड क्षेत्र मैंने यही बताया आपको, झांसी ललितपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो सभी पूरा क्या है, बुंदेलखंड का प्रदेश है। उत्तर पूर्वी अगर हम लोग चले जाएँ ऊपर यानी गोरखपुर यहाँ पर चले जाएँ, ठीक है, गोरखपुर वगैरह जो क्षेत्र है हमारा यहाँ पर चले जाएंगे, कुशीनगर वगैरह पर, ठीक है, फिर पूर्वी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश में चले जाए तो बलिया वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे और जो इसके सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए जो ज़िले हैं, और विंध्य प्रदेश यानी विंध्य प्रदेश मतलब कि दक्षिण का हिस्सा हम लोग चले जाएँ, तो ये भी, ये इस प्रकार से आप देखेंगे 9 कृषि क्षेत्रों यानी 9 कृषि शस्य जलवायु प्रदेशों। शस्य जलवायु मतलब कि जलवायु भी है और शस्य भी है, मतलब कृषि भी है और जलवायु भी है, तो याद रखेंगे 9 प्रदेश हैं कृषि एवं शस्य जलवायु
प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मतलब कृषि को शामिल कर दिया गया, कृषि को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जलवायु का वर्गीकरण हम लोग इन क्षेत्रों के रूप में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी यूपी का जलवायु जो प्रदेश है और जलवायु के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं, जहाँ पर मैंने यूपी के संदर्भ में सभी चीज़ें, जलवायु के संदर्भ में मैंने सभी चीज़ें कवर कर दी हैं। और यहाँ इसके अलावा परीक्षा में अगर जलवायु से परीक्षा में प्रश्न बनता है यूपी में, तो इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही पूछा जाता है कि यूपी को किसने, मतलब किस कितने कृषि और सस्त जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया, तो आपका आंसर होगा 9। इसको याद रखिएगा, 9। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।